अच्छी काविश है। यहाँ भी काम यहाँ भी नहीं हुआ है कारपेटिंग का, छोटे बड़े हर साइज के गड़े मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल सलाम है इस कांस्टेबल को, अपनी ड्यूटी को बहुत सही तरीके से अंजाम दे रहा है। यहाँ मुरम्मत नहीं की गई, नतीजा यहाँ भी देखें आप, हर तरफ ये एक दो तीन चार आधी से ज़्यादा सड़क ब्लॉक है भाई, वो रिक्शों पे ताकि रिक्शे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं लियाकताबाद के मेन ब्रिज पर और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। ये रैंप जा रहा है 10 नंबर की तरफ। यहाँ पे सड़क बनाई गई और उखाड़ दी गई, समझ रहे हैं आप, और क्वालिटी ऑफ वर्क अभी भी आप देख लीजिए, पत्थर अभी से उखड़ने शुरू हो चुके हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए आप, दाने नज़र आ रहे हैं। और ये दो से चार दिन या हफ्ते भर में आपको सड़क उखड़ती भी नज़र भी आना शुरू हो जाएगी वाज़े तौर पे। ये है हमारे यहाँ का हाल, ये देखिए आप, फुटपाथ पे सब बचा हुआ जो कचरा है सड़क से निकला हुआ वो सब रख दिया गया है कि कोई आएगा उठा लेगा। वैसे ही फुटपाथ कम चौड़ी है, मज़ीद उस पर कचरा डाल दिया गया है। पत्थर नज़र आ रहे हैं, डामर कितना पड़ा हुआ है वो भी पता चल रहा है। बड़ी मुश्किलों से जाके ये सड़क बनाई गई, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब देखिए आपकी टीम के लोग क्या कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट कुछ देते हैं और काम कुछ और करते हैं। ये है लियाकताबाद 10 नंबर, ये एसएन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये है रक्षा माफिया यहाँ का। बहरहाल जैसी तैसी सही, लेकिन सड़क बना दी गई है। अब कम से कम यहाँ लोगों को गुजरने की जो परेशानी थी और जो ट्रैफिक जाम के मसाइल थे वो फिल वक्त कम से कम नहीं है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है और कब तक ये सूरत हाल बेहतर रहती है। अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक ये सड़क चले और यहाँ से गुज़रने वालों और यहाँ रहने वालों को परेशानी कम से कम हो। आगे आ रहा है 10 नंबर का सिग्नल, देखते हैं वहाँ पे क्या पोजीशन है। ये यहाँ की मार्केट, लियाकताबाद में सड़कों की हालत बहुत ही इंतहाई नागुफ्ताबा है और यहाँ भी ट्रैफिक जाम इस वक्त हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है, इसकी बड़ी एक वजह सड़कों का ख़राब होना भी है। लेकिन आगे बढ़ के देखते हैं मज़ीद, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं गाड़ियाँ, हम भी बढ़ रहे हैं और जानते हैं यहाँ पर सड़क की क्या सूरत हाल है। ये देखिए यहाँ मुरम्मत नहीं की गई, नतीजा ये है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियाँ स्लो स्लो चलती हैं। यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं किया गया, ज़रा सी भी कारपेटिंग नहीं की गई जिसकी बहुत ज़रूरत थी। ये सीमेंट लगी हुई है और ये ट्रैफिक जाम मज़ीद हो गया है। ये है सूरत हाल लियाकताबाद 10 नंबर पे। ये रास्ता यहाँ से जा रहा है सिविक सेंटर की तरफ। और ये है रिक्शा माफिया यहाँ का, पूरी पूरी सड़कों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। नतीजा ये है कि पीछे से ट्रैफिक नहीं चल पाता। और ये 10 नंबर की चौरंगी का हाल भी आप देख लीजिए, यहाँ भी कारपेटिंग की ज़रूरत है लेकिन कोई काम यहाँ भी नहीं हुआ है कारपेटिंग का, छोटे बड़े हर साइज़ के गड़े मौजूद हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये देखें ये एक पुलिस वाला क्या कुछ करेगा, वो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन इन रिक्शा माफिया को कैसे बचाया जाए भाई, ये बड़ा मसला है। कब्जा करके सड़क पे बैठ जाते हैं। डंडे मार रहा है वो रिक्शों पे ताकि रिक्शे चलें।
ये देखिए आप, अच्छी काविश है। यहाँ भी देखें आप, हर तरफ ये एक दो तीन चार आधी से ज़्यादा सड़क ब्लॉक है भाई। यहाँ भी सूरत हाल देखें, यहाँ पे ये लगा दिए गए हैं कोन्स ताकि इसके अंदर गाड़ियाँ पार्क हों। एक कांस्टेबल कितनी मेहनत करे और कब तक करता रहे काम, लेकिन बहरहाल सलाम है इस कांस्टेबल को, अपनी ड्यूटी को बहुत सही तरीके से अंजाम दे रहा है और जगह को खाली करा रहा है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।